नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की कुढ़नी विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है और इस उपचुनाव से पहले महागठबंधन में कलह की आहट सुनाई देने लगी है। आरजेडी के विधायक रहे अनिल सहनी, जिनकी सदस्यता समाप्त हुई और उसके बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है, उन्होंने ये सवाल उठाया है कि आखिरकार किसी अति पिछड़ा समाज के व्यक्ति को इस सीट पर टिकट क्यों नहीं दिया गया। नीतीश कुमार को लेकर भी तमाम बातें उन्होंने कही है। अनिल सहनी से हमारी भी बातचीत हुई फोन पर और अनिल सहनी ने सवाल उठाया कि नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा समाज के लोगों को टिकट क्यों नहीं दिया, अति पिछड़ा समाज की बात वो करते हैं, लोगों में नाराजगी है, वहां के कुढ़नी के लोगों में नाराजगी है। तो कुढ़नी उपचुनाव को लेकर जो कलह महागठबंधन में है उस पर, कुढ़नी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है उस पर, और चिराग पासवान की जो ताजी ताजी दोस्ती हुई है भारतीय जनता पार्टी की उस पर बात करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मनीष पांडे हैं। मनीष पांडे जी, पहला सवाल आपसे यही कि देखिए, महागठबंधन में कलह नजर आ रही है। जो अनिल सहनी हैं, आरजेडी के विधायक थे, वो अब सवाल उठा रहे हैं कि आरजेडी ने अपनी सिटिंग सीट दे दी जेडीयू को और जेडीयू ने अति पिछड़ा सीट पर अति पिछड़ा को उम्मीदवार नहीं बनाया। देखिए अभिषेक जी, हम थोड़ा सा पीछे जाना चाहेंगे जी, और जब हम जो पिछले जो दो उपचुनाव बिहार में हुई, मोकामा और गोपालगंज का जी, तो अगस्त में जिस प्रकार से बिहार की राजनीति बदली, मुख्यमंत्री वही रहे लेकिन गठबंधन बदल गया, राजनीतिक बिहार की बदल गई, उसके बाद से यह कयास लगाया जा रहा था कि अब तो बीजेपी जो है बिहार में बर्बाद हो जाएगी, क्या होगा, महागठबंधन बहुत मजबूत हो गया। और एक चीज़ और तारीखें दी जा रही थी कि बिहार जो है वो पूरे देश की राजनीति के परिवर्तन का वाहक बनेगा जी। इस प्रकार की कई तरह की कयासें लगाई जा रही थी। हम अगर वहां से शुरुआत करें तो जो गोपालगंज और मोकामा के चुनाव हुए थे उस पर लोगों की बड़ी तीखी नजरें थी। सारे राजनीतिक विश्लेषक और राजनीतिक पंडित और जितने भी लोग थे उन लोगों की नजरें थी कि क्या होगा क्या होगा। लेकिन जब परिणाम आया दोनों विधानसभा का, तो परिणाम के बाद यह स्पष्ट हो गया कि पूरी तरीके से महागठबंधन में नीतीश कुमार जी का जाना, उसका कोई लाभ महागठबंधन को नहीं मिला। और खास करके यह देखा गया कि जो अति पिछड़ा था वोट, वह एकदम पूरी तरीके से नीतीश जी से खिसक गया, पूरी तरीके से, जिसको कह सकते हैं, और आंकड़े यही बताते हैं कि पूरी तरीके से खिसक गया। अब जब कुढ़नी के चुनाव की बात हम करते हैं तो नीतीश जी के साथ समस्या यह है कि उनका जो वो अपना वोट है, लवकुश का वोट, जिसको जिस पर वो आज तक राजनीति करते आ रहे थे, अब उनको उसकी चिंता घुस गई कि अब हम कैसे क्या करें। चूंकि इन्होंने पासा फेंका था एक गोपालगंज में, वैसे को वो सीट दे करके हम निकाल लेंगे, लेकिन वो सेंधमारी तो कर नहीं पाए भाजपा के वोट में, तो अब इनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया महागठबंधन में कि आप तो भाजपा के वोट में सेंधमारी नहीं कर सके लेकिन भाजपा ने तो आपके वोटों में सेंधमारी कर लिया। तो अपना वोट बचाने के लिए, जो लवकुश का वोट है, उस वोट को बचाने के लिए नीतीश जी ने वहां पर अति पिछड़ा का वोट काट के वहां पर कुशवाहा को टिकट दिया। एक सवाल यह भी है कि कुढ़नी में चिराग पासवान कितने बड़े फैक्टर होंगे? नहीं, देखिए, चिराग जी का अपना एक राजनीतिक महत्व है, उनके पिताजी का जो विरासत उनको मिली है वो, और चिराग जी ने पिछले वर्षों जो तपस्या किया है, वह राजनीतिक पुत्रों में अगर आप देखें तो अभी तक वह यह किसी के संज्ञान में आता नहीं है किसी भी दूसरे राजनेताओं के लिए। तो देखिए, जो व्यक्ति तपस्या करेगा, तपस्या का फल तो मीठा होगा ही, मिलेगा ही निश्चित रूप से। सवाल यह भी है कि एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए वो बैटिंग कर रहे हैं, बीजेपी के लिए रोड शो कर रहे हैं, चुनाव में वोट मांग रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, कुढ़नी में भी यही करने वाले हैं, एनडीए में उनकी एंट्री का आधिकारिक ऐलान अब तक क्यों नहीं हो सका, इसमें देरी क्यों? नहीं, देखिए आप उस इस तरीके से मत देखिए इसको। हम बार बार कहते हैं कि 1990 के बाद बिहार की राजनीति में जो परिवर्तन आया, जिसमें कि कांग्रेस खत्म हो गई और लालू के विरोध की राजनीति और लालू के समर्थक की राजनीति शुरू हुई, उसमें बहुत सारे लोग थे नीतीश कुमार की पहचान और वो भी उसी समय से बनी। लेकिन जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व मिला देश को, तो उस समय चिराग पासवान जी उनसे प्रभावित हुए, और इसमें कोई दो राय नहीं, हम सभी जानते हैं कि उन्होंने रामविलास जी को
प्रभाव मतलब कन्विंस किया और कन्विंस करने के बाद उनको एनडीए में लाने का काम किए। चिराग जी को ये पूरी क्रेडिट जाती है और वह सफल भी हुआ। तो जो एक नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में जो भाजपा के साथ चलकर विकास को मतलब सहयोग करने का जो एक राजनीति है, उस राजनीति के वाहक चिराग पासवान जी भी हैं। तो वह हमसे अलग हुए थे सिर्फ अपने मुद्दे पर कि बिहार फर्स्ट और बिहार फर्स्ट बिहार में चलेगा, साथ निश्चय नहीं चलेगा, उनका जो मांग था। वैचारिक रूप से भाजपा से उनका कोई मतभेद नहीं था, उनका मतभेद था जनता दल यू और नीतीश जी से, खास करके उनकी योजनाओं उनकी नीतियों से। वो तो व्यक्तिगत रूप से कहते हुए कि नीतीश जी से हमारा क्या बुरा हुआ, उनकी नीतियों से हमारा जो है सो वह विरोध है। तो चिराग जी पहले भी हमारे साथी थे, मानसिक रूप से व्यवहारिक रूप से कह लीजिए वो हमारे साथी थे, राजनीतिक तौर पर जो चीजें तय होती है उसमें वह बीच काल में हमसे अलग हो गए थे। तो चिराग पासवान जी और उनके समर्थक हमारे साथ है, और जब जिस विचार के वाहक हैं, विकास के वाहक नरेंद्र मोदी जी, उनके समर्थन में जो लोग भी है वो एनडीए का हिस्सा है। कुछ चीजें हैं जो औपचारिक ऐलान होता है, कुछ बातें जो गठबंधन में तय होती है वो भी बैठ के जब हमारे बड़े नेता बैठेंगे तो वह भी तय हो जाएगा तो उसका औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा। पहला मैच है नीतीश कुमार के साथ जब से जेडीयू और बीजेपी की दोस्ती टूटी है। मामला गोपालगंज और मोकामा से थोड़ा अलग है, वहाँ आरजेडी के उम्मीदवार थे। ये आपका जो नीतीश कुमार से दोस्ती टूटा उसके बाद पहला मैच है नीतीश कुमार के साथ, कहीं रिस्की गेम तो नहीं है? नहीं, देखिए इसी में तो पोल पट्टी खुलने वाला है। अब जो रहा सहा जिसको कहते हैं कसर जी, विनाश काले विपरीत बुद्धि, देखिए इसी को कहते हैं। आपने एक सहनी समाज के व्यक्ति को जिसने किसी कारण से उनकी सदस्यता रद्द हो गई, आप कहते हैं कि हम पिछड़ा और अति पिछड़ा के वाहक, और आपने उसके परिवार से या उसी जगह से, या भाई जब मुकेश सहनी जी चल रहे थे उनके साथ साथ मोकामा में जाके प्रचार किए, तो आप उन्हीं को देखिए। चक्कर यहाँ क्या है अभिषेक जी, इस चीज को समझिए। ये लोग ओवैसी को बीजेपी भाजपा की बी टीम कहते हैं, लेकिन वो कहने के पहले अब भूल जाते हैं कि हमने उसके चार विधायकों को तोड़ा था। ओवैसी कोई बीजेपी को समर्थन थोड़ी कर रहे थे, कर तो रहे थे हाउस में आप ही को, आपको तोड़ने की क्या जरूरत थी। तो मधुमक्खी के खोते में ढेला तो आप फेंकते हैं, और जब काटने को आपको दौड़ता है तो आप आरोप भाजपा पे लगाते हैं। इस चीज को समझने की जरूरत है। वही चीज यहां पर जो कुढ़नी में हुआ है, कुढ़नी में आपको जरूरत क्या थी? आपने किसी और वैसे को दे दिया होता टिकट, वहां पर तो वोट सबका अच्छा है, 30,000 से ऊपर सबका वोट है, ऐसा नहीं है। आप अपने घर के लोगों को रोक भी सकते थे, मनोज कुशवाहा को आप मना भी सकते थे। आप जो काम किए वह काम कह रहे हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। और यहां पर एक चीज और भी है, इस बात को भी आप समझिए, बहुत बड़ी राजनीति है। हमने कहा ना कि जो प्रेशर नीतीश जी के ऊपर चल रहा है, देखिए वह सीट तो आरजेडी की थी, गोपालगंज में आरजेडी को नीतीश जी से कोई फायदा नहीं मिला, मोकामा में भी कोई फायदा नहीं मिला, गए भी नहीं चुनाव में प्रचार करने, दोनों जगह ऐसे ही रह गए। वो सब जानता है कि गठबंधन किस तरह से बिखरा पड़ा था। अब क्या हुआ कि इनको वहां टिकट दिलवा दिया गया है, ये जानती है आरजेडी कि हार यहां निश्चित है हमारी कुढ़नी में। तो तीनों जगह अगर हम हार जाते, मतलब मोकामा तो अनंत सिंह जी, अब गोपालगंज भी हार ही गए, तो अगर कुढ़नी भी आरजेडी हार जाती तो उसका तो पूरी तरीके से जो है जिसको कहते हैं आप जो गीला पतलून गीला हो जाता। तो अब उसको बचाने के लिए ये हार जो है ये नीतीश जी के माथे पर फोड़ने के लिए ये रणनीति अपनाई गई वहां पर, और आरजेडी वहां से बाहर होके जेडीयू के माथे पर लिया है। कुढ़नी की हार का ठीकरा आरजेडी जेडीयू के सिर फोड़ना चाहती है, नीतीश कुमार के सिर फोड़ना चाहती है, इज्जत बची रहे इसके लिए आरजेडी ने टिकट थमा दिया, सीट थमा दी जेडीयू के खाते में, नीतीश कुमार के खाते में। बीजेपी के प्रवक्ता मनीष पांडे का यह दावा है, भारतीय जनता पार्टी का यह दावा है। कुढ़नी सीट को लेकर जो भी अपडेट होगा वो लगातार हम आपको बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।